सतना जिले के सिंहपुर थाना के लॉकअप में चोरी के संदेही की थानेदार की सर्विस रिवॉल्वर से हुई मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच गए हैं और सड़क पर धरने पर बैठ गए। परिजनों का सीधा आरोप है कि थानेदार ने शराब के नशे में गोली मारकर राजपति कुशवाहा की हत्या कर दी है। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सिंहपुर पुलिस स्टेशन और उसके आसपास तनाव का माहौल है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने आरोपों के घेरे में आए सब इंस्पेक्टर विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष को निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है। ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया है। घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित कर पंचनामा बनाया गया है। सिंहपुर थाना इलाके के नारायणपुर गांव में राजगीर मिस्त्री का काम करने वाले राजपति कुशवाहा की रविवार की रात सिंहपुर थाना के अंदर गोली लगने से मौत हो गई थी। जिस बंदूक से राजपति को गोली लगी वह सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक के सर्विस रिवॉल्वर की थी। गोली लगने के बाद राजपति को सिंहपुर थाना से बिरला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बावजूद इसके उसे रीवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सुबह जब परिजन थाना पहुंचे तो पता चला कि राजपति का मौत हो चुकी है। उसके बाद मृतक की पत्नी बच्चों समेत ग्रामीण सिंहपुर पहुंच गए और परिजन और ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और उन्होंने नागौद कलिंजर मार्ग पर आवागमन ठप कर दिया। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण पुलिस को खुली चुनौती देते हुए धरने पर तो बैठ ही गए थे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और नाराज लोगों के बीच कई बार झड़प भी हुई। मृतक की पत्नी और अन्य परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने लल्लू गर्ग नाम के व्यक्ति के इशारे पर राजपति की चोरी के संदेह में रविवार को दोपहर लगभग 2 बजे घर से उठा लिया था और उसे रात को गोली मार दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा और कहा कि थाने में पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्ति को लॉकअप में गोली मार दी गई, स्वजन पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें शव नहीं दिया गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। वहीं विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यायिक जांच होगी, सीधे जो घटना हुई है उसमें FIR दर्ज होगी। न्यायिक जांच होती है, ऐसी घटना में न्यायिक जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।